हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री, राइट? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. दिस क्वेश्चन इज पी स्क्वायर प्लस टू पी वाई कॉट एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर. क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन. सो इसको कैसे करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं. पहले वी कैन राइट पी स्क्वायर प्लस 2py cot x माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये लिख लिया. अब आपके सामने एक प्रॉब्लम ये है कि आप इसके लीनियर फैक्टर कैसे करेंगे. तो कैसे करेंगे, आप d वाले मेथड से चलिए. जैसे हम लोग रूट्स निकालते थे, दिस इज क्वाड्रेटिक इन p, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला फॉर्मूला लगाइए और p की वैल्यू निकाल लीजिए. तो यहाँ से कैसे निकलेगा, दिस इज p इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस 2y cot x प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 2y स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 4ac. तो माइनस माइनस इज प्लस, दिस इज 4y स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1. सो दिस आई कैन राइट इट एज माइनस 2y कॉट एक्स प्लस माइनस, तो 4y स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा. तो 4y स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो इसका 2y आपका बाहर लिख सकते हो अंडर रूट. अंदर क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2. तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 आप कॉमन लीजिए और इसको कैंसिल कर लीजिए. सो दिस विल बी माइनस y कॉट एक्स प्लस माइनस, यहाँ से भी 2 कैंसिल हो गया. सो दिस इज y 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल हो गया था, ठीक है. सो अब यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए. सो y मैंने यहाँ से कॉमन लिया, सो दिस विल गिव यू माइनस कॉट एक्स, राइट, माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस फ्रॉम हियर कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा आपका कोसेक एक्स, राइट. तो अब यहाँ से आपको देखो प्लस माइनस है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, 2 वैल्यू. और पी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स, ओके. सो अब वाई आप एक तरफ कर लीजिए, एक्स एक्स एक तरफ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट डी वाई ओवर वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, राइट. तो अब यहाँ से आपको 2 वैल्यूज दिखाई दे रही होंगे, एक प्लस में लेनी है और एक आपको माइनस में लेनी है. तो आप जब पहले पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, दैट इज डी वाई ओवर वाई इक्वल्स टू दैट इज माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू डी एक्स. इसको बोल दीजिए आप फर्स्ट से, दिस इज फर्स्ट. और दूसरी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी आपकी, दैट इज दिस इज डी वाई ओवर वाई इक्वल्स टू, जब आप माइनस साइन लेंगे सो दैट इज माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू डी एक्स से दिस इज 2, ये सेकंड हो गई. अब 1 by 1 आप इसका सॉल्यूशन निकाल लेते. फ्रॉम फर्स्ट इंप्लाई व्हाट, dy ओवर y इक्वल्स टू, इसको आप साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए, दिस विल बी माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं प्लस 1 upon साइन एक्स इंटू डी एक्स, ओके. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स एलसीएम लिया आपने साइन एक्स, राइट. तो मैंने पॉजिटिव वाला पहले लिख लिया, बस इतना ही डिफरेंस है, ओके, इंटू डी एक्स. इसको आपने सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2. साइन एक्स को क्या लिख लेंगे, दैट इज 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय 2, राइट, इंटू डी एक्स. आपका एक 2 से 2 कैंसिल,
एक साइन से आपका साइन कैंसिल, तो साइन बाय कॉस दैट इज टेन ऑफ एक्स बाय टू इंटू डी एक्स। अब काम क्या रहा आपका इंटीग्रेशन का, अब आप इंटीग्रेशन कर लीजिए। ऑन इंटीग्रेशन व्हाट वी गेट इंटीग्रेट किया आपने, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा दैट इज लॉग वाई इक्वल्स टू टेन एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस बनता, सो दैट इज माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का वन बाय टू नीचे आता, तो आप इसको लिख लीजिए यहां से टू ऊपर आ जाएगा, और प्लस एक कॉन्स्टेंट दैट इज मैंने बोल दिया लॉग ऑफ सी वन, राइट। सो इसको मैंने टू को इसके ऊपर ले लिया माइनस लॉग ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस लॉग सी वन, तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, तो लॉग एम माइनस लॉग एम दैट इज लॉग ऑफ सी वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, इतना लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। सो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, अब इस स्टेप में अब यहां से आपने लॉग दोनों साइड से आपने हटा लिया, लॉग हटने के बाद में अब यहां क्या कर देंगे हम लोग, इसको यहां से मल्टीप्लाई, सो दिस इज वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू सी वन, राइट। सो दिस इज नथिंग बट इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले से कन्वर्ट हो जाएगा, सो दिस इज वाई इंटू वन प्लस कॉस एक्स बाई टू इक्वल्स टू सी वन, और वट वी कैन राइट इट फ्रॉम हियर, दिस इज वाई इंटू वन प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टू सी वन, और वट वी कैन राइट, टू सी वन इज अ कॉन्स्टेंट, सो आई कैन से दिस इज सी, सो हाउ कैन वी राइट दिस, दिस इज नथिंग बट वाई इंटू वन प्लस कॉस एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, सो दिस इज थर्ड, राइट। अब हम चलेंगे अपने इक्वेशन नंबर टू से, जो हमारे पास थे फ्रॉम टू इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन टू, दैट इम्प्लाइज डी वाई ओवर वाई इक्वल्स टू दैट इज माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स ओवर कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको भी सेम आपने पहले प्लस लिया था, अब यहाँ माइनस लिया है, अब क्या करेंगे इसको बिल्कुल सेम वैसे जैसे अब तक किए थे, तो यहाँ पर आप साइन और कॉस में ब्रेक कर लेंगे इसको, सो दिस इज माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अब आप यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, सो दिस इज माइनस साइन कॉमन, सो दिस विल बी वन प्लस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स, सो वन प्लस कॉस एक्स इज नथिंग बट दैट इज टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, राइट, दिस इज टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाय टू, सो यहां से आपका एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, टू से आपका टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास माइनस कॉस एक्स बाई टू बाई साइन एक्स बाई टू, तो माइनस कॉस बाई साइन होता दैट इज कॉट, सो दिस इज माइनस कॉट एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, राइट, ओके। तो यहां लेफ्ट साइड में आपका डी वाई बाई वाई है, तो इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट इंटीग्रेट करें क्या मिलेगा, दिस इज लॉग वाई लेफ्ट साइड से, यहां से ये है कॉस बाय साइन, तो कॉट का होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स बाय टू, और बाय टू नीचे आएगा वन बाय टू, तो वन बाय टू का अगेन यहां टू आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और प्लस एक कॉन्स्टेंट अगेन लॉग ऑफ से सी वन, क्योंकि पहले सी वन लिया था तो यहां भी सी वन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, दिस इज माइनस लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, मैंने इस टू को यूज कर लिया विद लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, प्लस लॉग ऑफ सी वन, सो लॉग एम माइनस लॉग एन दैट इज लॉग एम बाई एन, सो दिस इज लॉग ऑफ सी वन ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू,
सो यहाँ से दोनों साइड से आपका लॉग लॉग हट जाएगा, सो दिस विल गिव यू y इक्वल्स टू सी वन ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और वी कैन राइट हियर y इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू सी वन. सो दिस इज नथिंग बट हाफ एंगल ब्रेक कर लीजिए इसको, हाफ एंगल ब्रेक करेंगे सो वट विल गेट वन माइनस कॉस एक्स बाई टू इक्वल्स टू सी वन, राइट. सो दिस इज इम्प्लाई वाई इंटू वन माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टू सी वन, फिर से टू सी वन आया, अगेन वी कैन से दिस इज सी, राइट. सो दिस इज से नंबर इक्वेशन नंबर फोर, राइट. और इसको अभी अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसको इधर ले आइए जैसे हमने पहले लिखा था, जैसे यहां पर लिखा हुआ है. सो दिस इज y इंटू वन माइनस कॉस एक्स माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, सो दिस इज फोर. फ्रॉम थर्ड एंड फोर, फ्रॉम थर्ड एंड फोर वी कैन राइट y into 1 plus cos x minus c, y into 1 minus cos x minus c equals to 0 is the general solution, is the general solution for the given equation, राइट. सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन. अगर आप बुक की बात करोगे तो बुक ने क्या किया है, सिर्फ ये जो दो सॉल्यूशन लिया, वन वाई इंटू वन प्लस कॉस एक्स इक्वल टू सी, और मेरा जो यहां पर वाई इंटू वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू सी, तो बुक में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि उन्होंने दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखा है, वाई इंटू यहां प्लस है माइनस है, तो उन्होंने दोनों कंबाइन कर दिया वाई इंटू वन प्लस माइनस कॉस एक्स इक्वल टू सी, तो उन्होंने सिर्फ ऐसा बताया, जबकि सही तरीका वैसे अगर लिखने का है जो वो यही है. ओके, सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर योर गिवन इक्वेशन. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.